अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं फिशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग। अब हम एक और मेथड वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में आपको बताएंगे। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? देखो, किसी भी प्लांट का के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होते हैं वेजिटेटिव और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर, जो किसी भी प्लांट को अगली जनरेशन बनाने में हेल्प करता है, नेक्स्ट जनरेशन देने में हेल्प करता है, इसीलिए उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। लेकिन बाकी के पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम और लीव्स, ये उसके कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो जब किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, मतलब फ्लावर तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, उसके बजाय उसके रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं उनसे नया प्लांट डेवलप हो जाए कुछ प्रॉपर कंडीशंस में, तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। और ये मेथड एनिमल्स में यूज़ नहीं होता, सिर्फ प्लांट्स में यूज़ होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है नेचुरल, जिसमें कोई भी प्लांट क्या करता है, नेचुरली वो अपने रूट, स्टेम या लीव्स को की हेल्प से नया प्लांट ग्रो करता है। तो ये तो हो गया नेचुरल मेथड। लेकिन कई बार हम अपने आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीकों का यूज़ करके उसके स्टेम, रूट और लीव से नए प्लांट्स लेते हैं। तो अब नेचुरल मेथड की अगर बात करें तो उसमें स्वीट पोटैटो आता है, मिंट आता है, पुदीना, ये क्या करते हैं अपने स्टेम का यूज़ करके, क्या क्या चीज़, पोटैटो और मिंट, ये अपने स्टेम का यूज़ करके न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। और जिंजर, टर्मरिक, ये भी स्टेम से ही ग्रो करते हैं। बाकी आती है एक प्लांट है ब्रायोफिलम, जो अपनी किस चीज़ का यूज़ करता है, लीव्स का यूज़ करता है नया प्लांट ग्रो करने के लिए। तो ये तो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, तो ये नेचुरल मेथड में आ गया। लेकिन कुछ मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लेयरिंग का, कटिंग का, ग्राफ्टिंग का, और टिश्यू कल्चर भी इसी में ही आएगा। तो ये सब क्या है कि हम पर्पसली इनके इन पार्ट से कुछ सेल्स लेकर या कुछ थोड़े बड़े पार्ट लेकर इनसे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे लेयरिंग की अगर बात करें तो जैस्मिन और शुगर केन, इनमें जो है वो इस मेथड से प्लांट ग्रो होता है। ग्राफ्टिंग जो है वो रोज़ और ग्रेप्स में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर स्टेम कटिंग की बात करते हैं तो शुगर केन जो है उसका उसमें बहुत ज़्यादा इस मेथड का यूज़ किया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि वो सीड तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लावर तो बना रहे हैं, लेकिन उनका जो सीड है वो ज़्यादा वायबल नहीं होते, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पर ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज़ करके नए प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो इस मेथड से जो भी प्लांट बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक तो कम टाइम लेगा। अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि एक हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं और उस पर सीड कितने टाइम में लग रहे हैं, फ्लावर कितने टाइम में लग रहे हैं, तो उसका टाइम पीरियड कम होगा अगर वो नेचुरली फ्लावर मेथड से जो है रिप्रोड्यूस करता है। तो दूसरी चीज़ आती है कि इस मेथड से जितने भी प्लांट बनेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड यूज़ करके जितने भी प्लांट बनेंगे वो कैसे होंगे, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट के, ठीक है, उनको हम क्लोन्स भी बोल सकते हैं, तो इनमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो इसीलिए जो प्लांट की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हमें इससे मिल जाएंगे। अब इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं कि आप एक्टिविटी 8.5 में आप देख सकते हो कि हमने एक पोटैटो लिया और उसकी सरफेस को ऑब्जर्व किया, तो हमें छोटे छोटे नॉचेज उसकी सरफेस पर दिखाई देंगे। अब हम क्या करेंगे कि उस पोटैटो में से छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे जिसमें कम से कम एक नोच हो या एक बड प्रेजेंट हो, और कुछ ऐसे ले लेंगे जिनमें नोच या बड नहीं है। अब हम कुछ कॉटन एक ट्रे में बिछा देंगे, उसको गीला कर देंगे और उन पोटैटो के पीसेस को उस कॉटन पे रख देंगे। फिर क्या करेंगे कि कुछ दिनों तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे
तो फिर क्या है, और लगातार हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो कॉटन जो है वो गीली रहे, तो बीच बीच में उस पर पानी स्प्रिंकल करते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जिनमें ऐसे पोटैटो थे जिनके ऊपर नोचिस या बड प्रेजेंट थी, सिर्फ उन्हीं से न्यू प्लांट्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए हैं, और जिनमें नोचिस नहीं थी या बड नहीं थी उनमें कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या पता चला कि पोटैटो में भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट हैं उसके उसके जो स्टेम है उसके, जहाँ से कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है जो उसकी इस काम में हेल्प कर रही हैं। एक और एक्टिविटी आती है 8.6, तो इसमें हमने क्या लिया, एक मनी प्लांट ले लिया, और मनी प्लांट इस तरीके से लिया कि उसकी स्टेम के पीसेस कर लिए, कम से कम एक लीफ उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, और एक फिर हमने कुछ और पार्ट कट किए जिनमें कम से कम दो लीव्स होनी है, ऐसे लिए हमने। अब हमने उसको क्या किया कि उन दोनों टुकड़ों को, एक लीफ वाले को भी और दो लीफ वालों को भी, हमने पानी में डुबो के रख दिया कुछ दिनों के लिए, इसको ऑब्जर्व किया। तो हम देखते हैं कि जिसमें दो लीव्स थी वहाँ उनसे ही जो है उसकी लेंथ बढ़नी शुरू हो गई और आगे न्यू लीव्स डेवलप होनी शुरू होगी, लेकिन जिसमें हमने सिर्फ एक लीव ली थी उसमें आगे कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई। तो इससे क्या पता चला कि नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए, नोड्स से ही, क्योंकि आगे क्या होगा, लीव्स बनेंगी नई नई। तो ये आपका आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आज हम आपको इतना ही कराएंगे, बाकी का टॉपिक कल करेंगे।